वेलकम इन सक्सेस नर्सिंग एकेडमी। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2023 में कौन कौन से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जो भी वैकेंसी आएगी आपको सबसे पहले इस पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आज का ही देखो पेपर की कटिंग है, जीएमसीएच 656 नर्सिंग पोस्ट जल्द ही आने वाली है। जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चंडीगढ़ की बात है ये, वहाँ पर 656 वैकेंसी 656 वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रेलवे स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2023, और ये दिखा रखा है देखो नोटिफिकेशन रिलीज डेट अप्रैल 2023 और एप्लीकेशन इशू डेट मई 2023, एप्लीकेशन फिलिंग डेट मई 2023, एडमिट कार्ड जून 2023 में, और एग्जाम जो डेट है एक्सपेक्टेड डेट है जुलाई 2023 में, और रिजल्ट जो आने वाला है रेलवे का वो है सितंबर 2023। ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, लेकिन यह डेफिनेटिव है कि 2023 में रेलवे की वैकेंसी 100% आने वाली है। नेक्स्ट आपके पास में ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 इम्पोर्टेंट डेट। तो स्टार्टिंग डेट जो है मार्च हो सकती है, मार्च से 2023 में, और इसका जो एग्जाम डेट हो सकती है वो अप्रैल के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है 2023 में वो है DSSSB दिल्ली स्टाफ नर्स, और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। और यहाँ पर भी देखो मई के आसपास इसकी एग्जाम डेट हो सकती है, मई 2023 के फर्स्ट वीक में। उसके बाद जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है नॉर्सेट की, और नॉर्सेट की वैकेंसी आपके जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि इसका जो एग्ज़ाम होता है नॉर्सेट का, तो 2023 में भी वो एग्ज़ाम टाइम टेबल के अनुसार ही होगा जो दिया हुआ है 17 सितंबर 2023 संडे को, और जो रिजल्ट आने की जो डेट है वो है आपके पास में यहाँ पर 3 अक्टूबर 2023। तो दोस्तों आपके पास में यहाँ पर नॉर्सेट, यहाँ पे आपके पास में DSSB, यहाँ पर आपके पास में ESIC, यहाँ पर आपके पास में रेलवे और GMC की वैकेंसी आपके 2023 में 100% आने वाली है। तो आप लोग दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए कि आपका 2023 में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो जाए, आप एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन जाए। थैंक्स।